अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे एडिटर के बारे में जिसमें एडिट करना मुश्किल तो है ही नहीं है बिल्कुल, और उसके अलावा आप उसमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग पिक्चर एडिट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स हैं उसके अंदर। जैसे आप अपनी पिक्चर को स्माइली बना सकते हैं, आप अपनी पिक्चर ग्लासेस खुद लगवा सकते हैं वो भी बहुत ईजी से, और उसके अलावा बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, मतलब फेक पिक्चर उसमें दिखती नहीं है कि आप अगर बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं या फिर स्माइली पिक्चर बना देते हैं, नहीं लगता कि ये फेक पिक्चर एक बनी हुई है जैसे एडिट किया गया हो। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा प्ले स्टोर में, यहाँ पर हमें फेस ऐप सर्च करना है। फेस ऐप के बारे में लोग काफ़ी जानते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस इस वजह से कि ये आपको ओल्ड एज भी दिखाता है कि आप, और फीमेल वर्जन में भी दिखाता है, इसलिए इस ऐप काफ़ी फेमस भी है, शायद आपको पता भी हो, लेकिन आज मैं आपको यूज़ करने का तरीका भी बता देता हूँ। मैंने क्योंकि डाउनलोड की हुई तो इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। चले हम पहले अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हम एडिट करना चाहेंगे। इसके लिए हम जाते हैं गैलरी में, गैलरी में हम अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर अपनी सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसे शेयर का बटन दबाता हूँ। शेयर पर जाने के बाद मैं इसे फेस ऐप में भेज देता हूँ। फेस ऐप में भेजने के बाद इस तरह का कोई इंटरफेस आ जाएगा, प्रोसेसिंग द फोटो। चलिए ज़रा टाइम ले रहे हैं। अब देखें, अब जैसे कि अब मेरी पिक्चर शो हो चुकी है, अब इस तरह कोई इंटरफेस है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, आप अपनी पिक्चर को कैसा बनाना चाहते हैं, मतलब कैसे एडिट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें सबसे पहले नीचे तीन ऑप्शन आते हैं, एडिटर, फन, लेआउट। फन में आप जो अपने सिर्फ चेहरे के साथ कुछ भी बना सकते हैं, मतलब किसी भी तरह का फिल्टर्स के साथ लगा सकते हैं जैसे। और इसके बाद लेआउट आता है, लेआउट में वो जैसे आप कॉलेज पिक्चर बनाते हैं, मतलब पिक्चर्स ऐड करते हैं, इस तरह सारा कुछ होता है। फन में ऐसा होगा, देखें भी आप खुद देख सकते हैं, मैंने एक जिस ऑप्शन भी किया तो ये ब्लाइड हुआ है, देखिए मेरी आईज चेंज हो चुकी है। इसके अलावा स्टार का ऑप्शन आता है, स्टार में हम जाते हैं, ये देखें। इसके अलावा बिगर में मेरा मतलब चेहरा अब जरा ये भी अप्लाइंग हो रहा है, ये देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही मोटा दिखा रहा है इसमें। और इसके अलावा अब ग्लेंस, इसमें कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा इसमें इसी तरह, पर इसमें जाने का फ़ायदा कुछ नहीं है, आप सिर्फ अपना फेस चेंज कर सकते हैं, मतलब फुल पिक को नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको अपने फेस सिर्फ ही दिखाना है तो वो फिर आप फन पर जाके इसे सेव कर सकते हैं ऊपर वाले ऑप्शन से। पहले मैं एडिटर में चला जाता हूँ और यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन में जाता हूँ इंप्रेशन में। इंप्रेशन में जब जो आगे बाकी फिल्टर हैं ये पैड है, मतलब आपको पहले ख़रीदना पड़ेगा वरना ये नहीं मिलेगा, आप वरना से यूज़ नहीं कर सकते। ये सब पहले कह रहे हैं GoPro, ये ऐड आ चुका है, सबर सॉरी ऐड आ चुका था, इस वजह से वो हो चुका। चले मैं से यहाँ से कैंसिल कर दें। अच्छा, चले इम्प्रेशन में तो आपको पता मालूम हो जो क्या कि पैड है उसमें लेना पड़ता है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है बीड का, बीड में हम उसमें भी एक ही है, उसके अलावा आपको ख़रीदना पड़ेगा। देखें आप, इसमें ऑटो खुद ही आपकी बीड आ चुकी है, वो भी बहुत ईजीली। अब मैं इसे यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। और इसके अलावा अगला ऑप्शन आता है स्माइल, स्माइल में यह है कि आप ये पिक स्माइली बना देंगे जैसे आप स्माइल कर रहे हैं, ये देखें इसमें आप एक स्माइली पिक्चर बना देते हैं, ये बहुत ऑटो हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं, बस सिर्फ एक क्लिक की बात है। इसे भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसके अलावा साइज़ आ जाता है, साइज़ अगर आप जैसे बिग फेस बनाना हो तो आप अभी देखें, मैंने बिग फेस के ऊपर क्लिक किया तो इस तरह का आ गया, पर है मुझे इससे नहीं करना क्योंकि ये मेरा हो गया बिगाड़ जाएगा, इसलिए छोड़ देता हूँ।
उसके अगला ऑप्शन आता है जेंडर। जेंडर में ऐसा होता है कि आप अपना मतलब फीमेल बना सकते हैं अपने आप को। ये देखें अब इसमें मैं फीमेल भी क्लिक किया है, रिप्लाइंग कर रहा है, ये देखें इस तरह कर रहा है। फीमेल टू में आता है तो इसमें भी मेरी भीड़ न होती तो मुझे लगता है फिर कुछ दिखाई दे देता। फिर उसके बाद आगे एज का ऑप्शन आता है। एज में आप चाइल्ड हैं मुख्तलिफ आते हैं इसमें, देखें ये आ गया टीन यंग टू। अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ यह है कि इस ऐप की सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ यह है कि आप एज पे जब जाते हैं तो एंड पर जाते हैं तो जैसे ओल्ड ओल्ड में आपका बुढ़ापा बता देता है कि आप बुढ़ापे में कैसे दिखोगे। जैसे ये मैं इसमें और उसमें कूल ओल्ड कैसे कूल दिखेंगे बुढ़ापे में। चलो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं करना। उसके अलावा आप हेयर स्टाइल में आप मुख्तलिफ अपने हेयर बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आपको ये देखें एक अच्छा। और उसके अलावा मैं हेयर कट भी कर सकता हूँ बिल्कुल। और इसके अलावा ग्लासेस हैं, हेयर कलर भी होते हैं, जो कलर मुझे चेंज नहीं करने। ग्लासेस पर भी मैं अप्लाई करता हूँ, बाकी भी बहुत ज़्यादा ग्लासेस होती हैं पर उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है यानी ख़रीदना पड़ता है। हेयर कलर में भी आप अपने कलर्स ब्लैक कर सकते हैं, सिर्फ ब्लैक ऑप्शन आएगा, बाकियों को आपको पेड करना पड़ेगा मतलब ख़रीदना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं है, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद फेस स्वैप आता है। इसमें आपको पास ऐसा होता है कि आपको अपने किसी भी मतलब पिक्चर सेलेक्ट करनी पड़ती है किसी भी सेलेब्रिटी की, ताकि मतलब आपको ये समझ लेंगे किसी और की पिक भी सेलेक्ट करेंगे तो उन दोनों को मिला के जो एक फेस बनेगा वो ये वाला फेस बनाएगा। उसके लिए आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा इसमें फ़िल्टर आता है, फ़िल्टर में आप मुख्तलिफ फ़िल्टर डाल सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ उसमें यही रखता हूँ, नॉरिज नहीं रखता हूँ। और इसके अलावा आता है मेकअप है, मेकअप में आप एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब ये ज़्यादातर गर्ल्स के लिए होता है इस वजह से। और इसके अलावा आगे बैकग्राउंड में आप देखें अब ऑटो सेलेक्ट करेगा ये खुद ही। अब मैं इसमें अगर बैकग्राउंड ये रखता हूँ तो ये देख लें, इसमें मुझे नहीं लगता कितना खास फ़र्क नज़र आता हो। इसके अलावा पूल है, पूल में भी आपका बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा ही नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद सी आता है, मैं अभी सी पे सर्च कर देता हूँ। इसके अलावा आप बाकी भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा बैकग्राउंड पसंद है, लेकिन मैं सी का कर लेता हूँ। तो उसके अलावा ओवरले है, इसमें भी आप मतलब कुछ भी ओवरले कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी के लिए होता है ज़्यादातर। और उसके बाद लेंस ब्लर, ये चीज़ ये होती है कि जब आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर रखना चाहें तो आप ब्लर रख सकते हैं जितना मर्ज़ी आप अप्लाई कर दें। फिर उसके बाद आता है मैग्नेटिक, यहाँ पे आप मतलब आप अपनी पिक्चर को किस हिसाब से ब्लैकनेस लाते हैं, या वाइटनेस प्लस पे जाएंगे तो ब्लैकनेस आएगी इसमें और माइनस में वाइटनिंग। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट आता है, एडजस्टमेंट भी आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कंट्रास्ट ये तो हर एडिटर में होता है। उसके बाद शेडो है, शेडो में आप क्लियरिटी ले आ सकते हैं। सिचुएशन है, सिचुएशन में आप हर कलर को शाइन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और उसके अलावा टेम्परेचर है, टेम्परेचर में वही समर विंटर वाला काम होता है कि आप कैसे कैसे ऐसे माइनस में लेके जाएंगे तो इस तरह को हेयर में से थोड़ा सा माइनस में ले। 10 मिनट के बाद आपके पास क्रॉप का ऑप्शन आ जाते हैं, आपको अपनी पिक्चर कितनी क्रॉप करनी है, मुझे यहाँ से थोड़ी सी करनी है ताकि शूज थोड़ा कट जाए, हाँ बस इतना काफ़ी है।
अब आप मेरी पिक्चर देख सकते हैं कि पूरा उसका हुडिया ही चेंज हो चुका है, बल्कि स्माइली पिक्चर बन चुकी है, ग्लासेस लग चुकी हैं, बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, एक सी के आगे बैठा हुआ हूँ और उसके अलावा सारा कुछ आपके सामने है। यानी ये ऐप आपका बिल्कुल हुडिया ही चेंज हो जाता है, इसलिए आप इस ऐप को लाजमी भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें सब कुछ ऑटो है। आप अगर कोई क्लिक करते हैं बस उसी से आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, पिक्चर स्माइली बन जाती है, सब कुछ इसी तरह हो जाता है। चलिए आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, अभी मैं इस पर कुछ ऐप कर लेता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।